देखिए हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी सूर्य पुत्र हैं, ना हनुमान जी सूर्य पुत्र नहीं हैं। हनुमान जी के गुरु जी सूर्य हैं। हनुमान जी ने पढ़ाई किनसे की है? सूर्य भगवान से। और ये बात सत्य है कि गुरु पिता तुल्य ही होता है। गुरु क्या होता है? गुरु मतलब गुरु और पिता एक ही। गुरु को आप पिता भी कह सकते हैं, गुरु पिता तुल्य होता है। तो हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान। तो यदि ये कह दिया जाए कि हनुमान जी के पिता सूर्य हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उनके गुरु हैं। पर हनुमान जी के रियल पिता भगवान शंकर हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, और फिर पवन पुत्र भी हैं। अब एक आदमी के चार बाप कैसे हो सकते हैं? ये संदेह, और वो भी हनुमान जी के बारे में। तो इसकी एक छोटी सी कथा है, वो मैं आपको सुनाऊं और ये संदेह तब मिटेगा आपका। बात ऐसी है हनुमान जी के जन्म की कि हनुमान जी की जो माता है, माता अंजनी, ये अंजनी किसकी बेटी हैं? अहिल्या की। जिन अहिल्या को राम जी ने अपने चरणों की रज से तारा, उन अहिल्या की बेटी हैं ये अंजनी। अंजनी जब छोटी सी थी तभी किसी ने इन्हें कह दिया था कि तेरे कुंवारे में ही बेटा पैदा हो जाएगा। तो अंजनी डर गई, अरे राम राम, ये तो बड़ा कलंक है, कुंवारे में बेटा पैदा हो जाएगा। तो उन्होंने अपने आप को एक जंगल में एक गुफा के अंदर बंद कर लिया और एक पत्थर लगा दिया दरवाजे में, कोई ना अंदर आए ना मैं बाहर जाऊं। तो वह जंगल में जाती, खाने पीने का सामान लेके फिर गुफा में प्रवेश कर जाती। उसी समय घटना घट गई। शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, हमने आपके सारे रूपों को देखा है, एक रूप और देखना चाहते हैं। आपने मोहिनी अवतार धारण किया था, हमने मोहिनी अवतार का दर्शन नहीं किया। विष्णु जी ने मना किया कि हमारे मोहिनी अवतार को ना देखो। शंकर जी ने माने नहीं, जिद किए कि दिखाओ। तब भगवान नारायण मोहिनी बन गए। और मोहिनी जब बने तो शंकर जी मोहिनी भगवान को देखकर मोहित हो गए। इतने सुंदर थे भगवान कि शंकर जी भी मोहित हो गए। शंकर जी कामांध हो गए। जो काम को जीत चुके शंकर जी, वो मोहिनी भगवान को देख के कामियों की तरफ पीछे भागने लगे। अब मोहिनी भगवान आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे। मोहिनी भगवान का स्पर्श करते ही भगवान शंकर का वीर्य स्खलन हो गया। अब शंकर जी का वीर्य जब गिरा तो वह कोई सामान्य तेज तो था नहीं। तुरंत भगवान मोहिनी ने उसे अपने हाथों में धारण किया और शंकर जी का वह तेज हाथ में लेकर अब क्या करें, कहाँ प्रवेश कराएं इसे, क्योंकि ये पृथ्वी पर गिर जाएगा तो शंकर का तेज है, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो कहाँ स्थापित करें? भगवान नारायण प्रकट हुए मोहिनी से, अब नारायण बन गए। और दोनों जन चले, शंकर जी और भगवान नारायण, तो अंजनी के पास चले गए। अंजनी से कहते हैं, अंदर कोई है? हाँ हाँ है। क्या है? बोले हम साधु हैं, दोनों बाबा जी बन गए साधु, शंकर जी और विष्णु जी। हाँ हाँ क्या है? अरे बेटी बड़ी प्यास लगी है, कुछ पानी वानी मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा। अंजनी ने कहा हम किसी पुरुष का दर्शन नहीं करते, तो पानी कैसे पिलाओगी? अंजनी ने कहा हम अंदर से पानी डाल रहे हैं, बाहर तुम्हें मिल जाएगा, पी लेना। अच्छा ठीक है, पर ये बताओ तुमने गुरु मंत्र लिया है? यदि गुरु मंत्र नहीं लिया तो हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पियेंगे। पहले ये परंपराएं थी, जो आदमी गुरु मंत्र नहीं लेता था उसके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। तो तुमने गुरु मंत्र लिया है? अंजनी ने कहा हमने तो नहीं लिया। तो भगवान विष्णु ने कहा मैं गुरु मंत्र देता हूं। तो गुरु मंत्र दिया तो भगवान विष्णु के हाथ में जो, भगवान ने कहा अपना कान इस तरफ लाओ, कान लाए अंजनी। तो भगवान विष्णु ने पवन देव से कहा, ए पवन देव आओ और यह तेज उठाओ वायु के द्वारा
ले जाओ, अंजनी के कान से होते हुए गर्भ में प्रवेश कराओ। देखिए टेक्नोलॉजी, यदि हम साइंस की बात करें तो कान के द्वारा गर्भ स्थापित, कान के द्वारा गर्भ में तेज पहुंचाया गया और स्थापना हुई। तो अंजनी के कान के द्वारा वह पवन देव ने अपने पास पवन वायु ले गई और पधराई और वह गर्भवती हो गई। फिर अंजनी माता का विवाह केसरी नाम के बंदर से हुआ, तो केसरी से विवाह हुआ तो केसरी नंदन। शंकर जी का वह तेज था तो शंकर सुवन, और पवन देवता के द्वारा प्रवेश कराया तो पवन पुत्र। समझ में आया? इसलिए तीन पिताओं की चर्चा है हनुमान जी के बारे में। समझ में आ गई बात? शंकर सुवन क्यों? क्योंकि शंकर जी का तेज था। पवन पुत्र क्यों? क्योंकि पवन के द्वारा प्रवेश कराया। और केसरी नंदन क्यों? केसरी से विवाह हुआ था अंजनी का, केसरी। तो यह चर्चा है। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक काना को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें आस्था के आंसू।